सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार को SYL मुद्दे पर बड़ी राहत मिली है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के जो पंजाब सरकार ने पक्ष रखा था उसे असंवैधानिक बताया, वहीं हरियाणा के पक्ष में फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SYL पर जो निर्माण कार्य है वो जारी रहेगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए, इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ हरियाणा विधानसभा स्पीकर हैं, उनसे जानते हैं कि इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और बहुत लंबे टाइम से हरियाणा इसका इंतज़ार कर रहा है और हरियाणा के साथ पहले ही बहुत बड़ी बेइंसाफी हो चुकी है। ये पानी बहुत पहले हरियाणा को मिलना चाहिए था लेकिन बहुत देरी से मिल रहा है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, जो भी निर्णय आया है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अकाली नेताओं का अभी भी सर इस पर ये कहना है कि पंजाब जो है हरियाणा को एक भी बूंद पानी नहीं देगा। देखिए, जब भी कोई MLA MP या मुख्यमंत्री मंत्री बनता है तो वो संविधान की शपथ लेता है और हम शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, नियमों का पालन करेंगे। तो आज ये ड्यूटी है हमारी, कोई हमारे पास इस प्रकार की छूट नहीं है कि हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। हम उस संविधान के अनुसार ही शासन करते हैं, उस संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट ने वो व्याख्या की है जिस प्रकार से, तो उसको मानने के लिए सभी बाध्य हैं। ये कोई हमारी इच्छा भी नहीं है निर्णय कि हम उसको स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, ये सरकार इसके लिए बाध्य है, प्रत्येक सरकार को इस निर्णय को मानना पड़ेगा। और जहाँ तक खून की नदियाँ बहाने की बात है, इसमें खून की नदियाँ बहाने जैसी कोई भी बात नहीं है, ना इसमें कोई किसी प्रकार का झगड़ा है और हम उसका स्वागत करते हैं और सभी को इसको मानना चाहिए। जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस वहाँ कर रही है, इस्तीफा दिया है, दूसरा दिया है, वो सब लोग जानते हैं कि अब चुनाव आ चुके हैं और बहुत थोड़ा टाइम है। मैं समझता हूँ, को कहते हैं कि अंगली कटवा के शहीद होने वाली बात जो है, वहाँ तो अंगली भी नहीं कट रही, अंगली से भी कम है, तो वो शहीद अपने आप को शहीद दिखाना चाहते हैं और ये सस्ती लोकप्रियता है, चुनाव की दृष्टि से सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये सब कुछ किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैरकानूनी है, ये बयान देना भी गैरकानूनी है कि अगर कोई आदमी सुप्रीम के कोर्ट के निर्णय पर इस प्रकार का बयान देता है तो मैं मानता हूँ कि वो गलत है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और जिस तरीके से इस पर पंजाब सरकार द्वारा बार बार बयान दिया जा रहा है कि एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा उसे सरासर गलत बताया और साफ तौर पर यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है और वो सबके लिए मान्य होगा। और जिस तरीके से कांग्रेस के जो, चाहे वो अमरिंदर सिंह का इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को दिया गया हो या अन्य कांग्रेसी विधायकों का इस्तीफा सौंपा गया हो, तो कहीं ना कहीं ये एक आने वाले चुनावों के राजनीति बताई है। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी TV।